नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सप्लीमेंट्री के छात्रों को फेल मानकर भरवा रहे हैं परीक्षा फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की पूरक परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही अगली परीक्षा के फॉर्म भरवाना शुरू हो गया है। 12 अगस्त ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है। सप्लीमेंट्री के छात्रों को फेल मानकर उनके परीक्षा फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और शासन को 25 रुपए प्रति फॉर्म से अतिरिक्त रुपए देना पड़ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सितंबर व अक्टूबर में भरवाने वाले फॉर्म जुलाई में ही भरवाने के निर्देश दिए हैं। प्राचार्यों की माने तो अब तक स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पूरक परीक्षा का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। जिले में करीब 3000 छात्रों को पूरक आई थी। स्कूलों में इन छात्रों के फिर से उसी कक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। छात्र व शिक्षक इस असमंजस में है कि छात्रों को अगली कक्षा में बैठाएं या पूरक परीक्षा की ही पढ़ाई करवाएं। उधर अधिकारियों का कहना है कि 10वीं व 12वीं का रिजल्ट आने में करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा। वहीं जिला शिक्षक अधिकारी किशोर शिंदे का कहना है कि मंडल से 12 अगस्त तक छात्रों को फॉर्म भरवाने के निर्देश मिले हैं। जहां तक सप्लीमेंट्री वाले छात्रों की बात है, उनके भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उनसे फीस बाद में जमा करवाने के निर्देश हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ सकती है। इसी बीच बच्चों को रुका हुआ परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा अगला वीडियो, और किसी अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी आने वाली सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल LTS News।